हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज की जो मैं रूटीन शेयर करूँगी वो करूँगी मैं रात के खाने की। और सच बताऊँ तो कुछ ज़्यादा खास दिल नहीं कर रहा था बनाने का भी ना खाने का, तो आज मैं सिर्फ बनाऊँगी रोटी और अंडे के आमलेट बनाऊँगी। जो बनाऊँगी अंडे का आमलेट चटपटा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और सबसे पहला काम मेरा यही होता है मैं आटा गूंथ के फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि ये होता है कि आटा बहुत अच्छा सेट हो जाता है, रोटी बनाने में आसानी होती है, रोटी अच्छी बनती है, मुलायम बनती है। और फिर एक ही होता है कि फिक्रात नहीं होती कि अब हमारा खाना बनाने का टाइम हो गया तो अब हम आटा गूंदे, क्योंकि आसान लगता है क्योंकि आटा मेरा गूंदा हुआ ही होता है। तो चलो सबसे पहले मैं रोटी बनाऊँगी, और ये आटे पे पोलोथीन चढ़ा देती हूँ ताकि आटे के ऊपर पपड़ी ना जमे। और आटा बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। दोपहर बनाए थे मैंने दाल चावल, जो कि दाल के थोड़े से लग भी रहे होंगे छींटे, और ये रख दिया मैंने तवा फटाफट से रोटी बना के। फिर मैं एक से किचन क्लीन करूँगी। लाइबा भी हमारी बहुत बोलती है वैसे। रोटी बनाना भी एक आर्ट और एक कला है वाकई। रोटी मैंने बना ली, रोटी बनाने के बाद में पूरा किचन क्लीन करके अब मैं बनाऊंगी अंडे के आमलेट, क्योंकि रोटी बनाने से वाकई पूरा किचन जो होता है ना वो बिल्कुल क्या होता है, टेस्टनेस हो जाता है। अब वो कहाँ लाइटर और एक अंडा भी हर घर में खाया जाता है वाकई माशाल्लाह से। सबसे ज्यादा अमीर हो या गरीब हो रोज खाओ अंडे। और ऑयल हो गया गरम, इसके अंदर में डालूंगी ढेर सारी काटे मैंने प्याज। अब कढ़ाई में जरा अच्छा बन जाता है आमलेट, तो सारे में कढ़ाई के अंदर ही बना रही हूँ। और अंडे में बनाऊंगी 1, 2, 3 एंड 4, 5 और 6 बहुत रहेंगे 8 दो अंडे और बड़ा। अल्लाह बच्चे कह रहा दो अंडे और बड़ा। चलो ये होगा पूरे 8। अब बचे 2 अंडे। ये प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही, क्योंकि आमलेट डाल के उसकी जो भुनाई करूँगी मैं उसमें भी ये ब्राउन हो जाती है। और ये इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्च, और ये हरी मिर्च चेकिंग मानना बहुत ज़बरदस्त वाली तीखी है ये हरी मिर्च। और हरी मिर्च में क्या कहते हैं, अगर ऑयल में फ्राई कर लेना और टेस्ट आता है, चटकीलापन आता है। और इसके अंदर मैं लूँगी अब भर के आधा चम्मच डाल दूं। डाल दो भाई, डाल दो मम्मी, डाल दो। और ये एक एक करके इसके अंदर ही फोड़ दूंगी। डायरेक्ट फोड़ने में आसान लगता है, क्योंकि मैं जब अंडे बनाती हूँ ना कम से कम बर्तन सानती हूँ, क्योंकि अंडे की ना अंडे के सारे बर्तन नहीं करती मैं भी। जैसे काफी टाइम बाद में बना रही हूँ ना ये काम में पहले बहुत। लेकिन ये पता नहीं बच्चे पहले आलू अंडे खाए करते थे, अब आलू अंडे नहीं खाते ये, लेकिन हाँ आमलेट तो खा लेते हैं लेकिन आलू अंडे नहीं खाते। वरना पहले मैं जब कुछ समझ में नहीं आता था ना तो आलू अंडे बनाती थी, तब मजे के बनते थे आलू अंडे। और अब इसके अंदर नमक, और बस अब क्या करना है, अब इसकी हल्की आंच पे भुनाई करेंगे हम।
और ये माशाल्लाह से देखें खूब बढ़िया सा आमलेट धीरे धीरे तैयार हो रहा है, और पीछे लाइबा का मूड ख़राब हो गया बहुत तगड़ा वाला। अभी ये बच्चे ना शोर मचाते हैं वहाँ पे जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और ये अंडा है रेडी आमलेट, और ये प्लेट में ही लेके अंदर ही जाऊंगी। बिस्मिल्लाह गरम हो रहा, चलो लो पापा ये क्या है रोटी इसमें ही खा लो। माँ बाप के होते हुए ना इससे नहीं होते, जितना खाओ उतना खाओ। लाए बस सर ढक के खाते खाना, सर ढको हिजाब पहनो, लो लो हिजाब पहनो पहले, लो जल्दी से फटाफट। ये हटा दो चम्मच हटा दो, अच्छा लगता है सब एक साथ खाते हैं पता है। बिस्मिल्लाह, साथ खाने से मोहब्बत भी बढ़ती है आपस में, और मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है सबको, सबको ही ज़रूरत है। हल्का सा नमक कम लग रहा है ना, लो तुम डालो, पकड़ो तो सही अपना हाथ में, हमारे फेज नमक अच्छा डालते हैं हमारे। ओफो ओफो ऐसे डालते हैं, बटन तो लगा लो, बटन तो लगा लो, बटन खुल रहा है। खा खा के इतने मोटे हो गए तुम लोग है ना, ना बटन। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने खाना खा लिया है, और बस बहुत ही मज़े का बना था आमलेट, और रोटी भी एकदम गरम गरम थी, और सबने साथ बैठ के खाया। सबसे अच्छा मुझे लगता है हम सब साथ जब खाना खाते हैं ना, जब बहुत अच्छा लगता है। और फिर मज़ा आया है, सच बता दे दो बार बनाया मैंने, नहीं ये बता दे दो बार बनाया मैंने। दो अच्छा लगा था, एक बार बनाया मैंने, फिर दो अंडे बाद में तले मैंने, वो मैं दिखाया नहीं मैंने आप लोग क्योंकि लाइबा का फेस को थोड़ा दिल कर रहा था और के थोड़ा और आमलेट हो दस मारे। और आज बस आज की रूटीन मैंने यही शेयर करी है, और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।